सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आकृति, आपके साथ। बिल्कुल उम्मीद थी, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। पता ही था कविता कौशिक बिग बॉस के घर में एंट्री मारेगी तो वहां पे बम पटाखे चलेंगे चलेंगे, हल्ला हंगामा होगा ही होगा, शोर शराबा होगा। उसकी आवाज, उसकी गूंज बिग बॉस के घर में जब तक वो रहेंगी तब भी सुनाई देगी, जब वो बाहर निकलेंगी उसके बाद भी मजा आएगा। कविता कौशिक, वेल डन। थैंक यू आकृति, तुम समझदार लड़की हो। आई लाइक दैट, गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल, ये क्या रूमर सुन रही हूं मैं कि कविता को तो एंट्री टीआरपी की वजह से दी थी, उस सबको पता था कि 3 दिन उछाल के आ जाएगी बाहर, मतलब आई मीन जितने दिन भी रहेगी उछालेगी टीआरपी एंड देन फिर बाहर आ जाएगी आराम से, ऐसा अब कुछ था क्या? यार, अब ये मैं क्या, देखिए अब कई चीजें मैं कह सकती हूँ, कई चीजें मैं नहीं कह सकती। मैं अब कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में, अब ओके, है ना, तो समझदार तो कुछ इस पे अरे मेरा काफी नो भी। कमेंट। अच्छा, नो कमेंट्स में जाना है, ठीक है। बट यू डोंट लुक इरिटेटेड बाय योर एविक्शन, ऐसा तो मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है। नहीं, इरिटेट होने वाली क्या बात है इसमें? देखो, ये बिग बॉस का शो है, 24 घंटे कंटेंट होता है इसमें। हम मतलब वहां बत्तियां बुझती हैं करीब 12:30-1 बजे तक, 8 बजे ऑन हो जाती हैं, तब तक नॉन स्टॉप कंटेंट चलता है। कितने अभी जैसे के 12-13 जने हैं, तो उन सब का दिखा कितना सकते हो आप रोज का? 40 मिनट, 45 मिनट 40 मिनट या मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जब आप एक ऐसे शो में जाते हो जिसमें एनीवे आपको मालूम है कि हो सकता है कि पूर्ण सच्चाई लोगों को ना दिखे, लोगों को ना समझ में आए, वो इट्स अ रिस्क। आप वो रिस्क जानते हुए, आप वो रिस्क, आपको पता है कि इस पानी में मगरमच्छ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, आप फिर भी जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है, एक तो पैसे दबा गए हैं, एटलीस्ट मेरे को। दूसरा, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो ना, तो आप स्टैग्नेट होते हो। हैप्पीनेस एंड योर कंफर्ट जोन स्टैग्नेट्स यू। लोग हल्दी और उबटन लगा के निखरते हैं, मेरे पे जब लांछन लगता है मैं तब निखरती हूँ। लेकिन मेरी सच्चाई ये है कि सच का हमेशा मैं साथ देती हूँ, और दिल मेरा जो है साफ है, ये मेरे को पता है। और ऐसी कोई बात मैंने घर के अंदर भी नहीं की जिससे कि मुझे शर्म आए अपने पे या मुझे गिल्ट फील हो। आई स्टैंड बाय एवरीथिंग। और सच जो है, मेरे घर से जाते ही टीवी पे दिख गया। कविता कौशिक क्यों भड़की, क्यों इरिटेट हुई, वो भले ही दिखाया ना गया हो, सिर्फ मेरा जो है एंग्री रूप दिखाया गया हो, सिर्फ वो लड़ाई दिखाई गई, लेकिन उस लड़ाई का क्या कारण था? वो भक्ति, वो बिल्टअप, वो सारे सीन, वो मोमेंट्स, एक एक करके जो इतने थे, जो मैं यही बोल रही हूँ कि ये कैसे दिखाएंगे 40 मिनट में? इनको भी एक एज अ शो, आप ऑडियंस को भी चाहते हो ऑडियंस का रिएक्शन आए, ऑडियंस इन्वॉल्व हो, है ना? तो मेरे को इनसे कंप्लेन नहीं है, इन्होंने अपने शो के लिए बढ़िया वो किया है। लेकिन जो बिल्टअप जो था, जो कारण थे जिस कारण कविता भड़की, जिस कारण कविता ने ये बोला कि ये आदमी दोस्ती नहीं चाहता, ये आदमी चमचे चाहता है, वो बात सामने आ गई है, एपिसोड में है, देख लीजिए आप बट सबके सामने। कविता, ऐसा लग नहीं रहा कि एजाज का जो पूरा मैटर था ये बड़ा इमोशनल एंगल में एंट्री मार गया है, यू नो स्पेसिफिकली एग्जिट वाला मोमेंट। मतलब जितना भी मैंने फीडबैक एज इन जो व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं जिनसे भी थोड़ी बात हुई या क्वेश्चंस मैंने मंगवाए थे आपके लिए अपने शो पर, तो एक ही चीज आ रहा है कि कविता हमको बहुत प्यारी लगती थी हमें, मतलब वो मजेदार भी, वो स्क्रीन इमेज की बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो स्क्रीन इमेज से हमें हमें पता था कि दबंग है, हमें पता है डोमिनेटिंग है स्क्रीन इमेज से, बट हमें ये नहीं पता था कि सेंसिटिव वाला जो पॉइंट है वो रह जाएगा कविता का। शी डिडंट इवन हग, तो द क्वेश्चन इज लाइक कि कितना भी पंगा हो कितना भी कुछ भी हो, सेंसिटिव क्यों नहीं थी कविता टुवर्ड्स एजाज व्हाइल ही वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बी लाइक यू नो No. ऑल दैट अगर मोमेंट। लोगों को अभी भी ये क्वेश्चन है कल का एपिसोड देखने के बाद भी, तो मैं यही बोलूंगी कि उन लोगों को थोड़ा सा लाइफ के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है, जैसे कि मैं हुई हूँ प्रिपेयर। मैंने लाइफ लेसन सीखा है बिग बॉस से। मैं सेंसिटिव थी तभी मैंने एजाज के साथ दोस्ती ना होते हुए भी दोस्ती निभाई। मैं ये बार बार बोल चुकी हूँ और अब मैं बोल बोल के बोर हो चुकी हूँ। आई एम लोगों को श्योर। समझना ऐसा नहीं, समझना है कोई बात नहीं, मेरा घर नहीं चला रहे लोग,
मेन चीज ये है, मैं बार बार ये बोल चुकी हूँ कि मैं एजाज जी को बहुत एज अ आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करती हूँ, आज भी करती हूँ कि ठीक है उन्होंने मेरे से ज्यादा काम किया है। 2005 में मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था जिसमें वो हीरो थे, उसमें से मुझे रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। उन्होंने और कई शोज किए हैं एज ए हीरो, उन्होंने फिल्मों में काम किया है, वो आज भी काम कर रहे हैं, वेब सीरीज उनकी कोई घर में आने से पहले वेब सीरीज भी थी, ठीक है। तो मेरे से ज्यादा बड़े आर्टिस्ट एजाज हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि एजाज के पास काम नहीं है या कुछ नहीं है या व्हाटएवर। हाँ, उन्होंने जब मेरे को फोन करके ये बोला कि भैया मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन कर देना, मैं 3 नाम दे रहा हूँ, मैं खुद सरप्राइज थी कि मेरा नाम ये कैसे देना चाह रहे हैं। फिर मैंने ये सोचा कि चलो शायद क्योंकि मेरी एक आवाज बुलंद है, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे ये काम बोला है। और एज अ सीनियर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट, प्लस मैं इनको सिर्फ 3 बार मिली हूँ, जो मैं बार बार गिना चुकी हूँ ये बात, कि एक बार वो डॉग शेल्टर में, और डॉग शेल्टर में हमारी बात हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया ऐसे ऐसे मेरा दिन, मेरे हस्बैंड ऑफिस से जब शाम को आए, मैंने उनको बताया आज मैं डॉग शेल्टर गई थी और एजाज के साथ, और जो भी हमारी बात हुई, जो मैं कभी नहीं करूंगी मीडिया में या नेशनल टीवी पे, उन्होंने भी अपनी कई बातें बताई, मैंने भी अपने बातें बताई, जिसमें कोई वो नहीं है, लोग अपने शेयर करते हैं, वेरी गुड, करनी चाहिए। ये सारी बातें सुन के मेरे हस्बैंड ने उनको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जिस बर्थडे पार्टी में ऐसे बहुत लोग आए हुए थे जिनको मैं पहले मिली तक नहीं हूँ, वो मेरे हस्बैंड के बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एक्टर्स थे जिनको मैं एक या दो बार मिली हूँ, राजीव ठाकुर जी भी आए थे, उनको भी मैं उतना पर्सनली नहीं जानती, बट मैं उनको कॉमेडी सर्कल वगैरह में मिली हूँ, मैं इसलिए इतने टाइम से काम कर रही हूँ, जानती मैं मिली मैं सबको किसी ना किसी पार्टी या किसी इवेंट या किसी काम से हूँ, बट किसी का पर्सनल नेचर जानना कि वो कैसे इंसान है, मैंने एक दिन भी स्पेंड नहीं किया है एजाज के साथ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कहने की यही बात है कि जब मैंने उनका घर में वो रूप देखा, उनको दोस्त की जरूरत नहीं है, उनको प्यार की जरूरत नहीं है, उनको चमचे चाहिए, कभी वो कभी एक ना इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं जो साफ नजर आ रहा है खुद किसी पॉइंट पर आई के। थिंक यू काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड, या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि ही इज क्या कहते हो वो वर्ड होता है ना, पाइलॉन करना. वाज ही ट्राइंग टू देखिए, गेट फुटेज बाय क्रिएटिंग इमोशनल सिचुएशन एंड पाइलिंग ऑन? डिड यू आइडेंटिफाई दैट? आई डिड नॉट आइडेंटिफाई एनीथिंग। मैं जब घर में घुसी, उन्होंने स्टेज पे ही कह दिया कि अरे इंडस्ट्री में 4 या 5 दोस्त हैं जिनमें से एक है कविता। वो मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके साथ 2005 में काम कर चुकी हूँ, मैं उनको 3 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है। स्पेशली वो इंसान जिसने मेरे से कहीं ज्यादा काम किया है, कहीं ज्यादा लोगों को वो जानते हैं, वो मुझे उन 5 लोगों में कैसे गिन रहे हैं, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग बात थी। कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने नेशनल टीवी पे ये बात कही है, सलमान सर के सामने ये बात की है, तो मैंने उस बात की इज्जत रखी। मैं घर में घुसी, मैंने उनको रेड जोन से निकाला, क्योंकि वो मुझे बार बार कह रहे थे कविता मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा, कविता मुझे यहाँ से निकाल, तू कैप्टन बन के आई है, कविता कविता कविता। बाकी घर वालों के मन में उन्होंने ये ऐसी छवि बनाई जैसे कि मैं उनकी बिल्कुल जय वीरू वाली मित्रता है हमारी, ठीक है। उन्होंने मेरे को ये बोला कि रुबीना उनको साइडलाइन करती है, रुबीना जो है उनसे उनको हेट करती है, जो भी है, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई रुबीना जी की या व्हाटएवर, मुझे लगा कि सब लोग शायद इनको साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन फिर जो है अगले 1-2 दिन में ही, 3 दिन में मैंने उनका जुनूनी रूप देखा, मैंने उनका ये नेचर देखा। मैं पता है खाना खाने बैठती थी और मैं उनको कहती थी एजाज, जब मैंने उनको निकाल लिया रेड जोन से बाहर, मैं उनको ये मेरे साथ बैठ जा खाना खाने, वो बैठते नहीं थे, अरे नहीं मैं जरा घूम के आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ, वो अपना घूमते, वो उनका पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर और अपने गेम के ऊपर था। और ये करना कि लोगों को दोस्त बोल के उनको चमचा बना लेना कि मेरी इमेज बिल्डिंग करो। अब जब मैंने ये रियलाइज किया, ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए जो ऑब्वियसली दिखाई दिखाए नहीं गए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ 40-45 मिनट्स में ये क्या ही दिखा सकते कितना आ हैं। हाँ, जाएगा? और सारा 45 मिनट्स कविता के ऊपर तो बिता नहीं सकते ये लोग, है ना, बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैं। फिर ऑब्वियसली उनके भी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए, रिएक्शन आए ऑडियंस का, वो कैसे आएगा, तो ठीक है वो उनका ये रहता है, कोई बात नहीं इसमें। तो जब मैंने ये रियलाइज किया कि इनको दोस्ती की जरूरत नहीं है,
इनको प्यार की जरूरत नहीं है, नहीं इनको फॉलोअर्स चमचों की चाहिए, जरूरत फॉलोअर्स चाहिए, चमचे चाहिए। है, इनको चमचों की जरूरत है। और ये एक इमेज, तब मेरा वो गुस्से का गुबार फटा है क्योंकि मैं हर्ट हो गई। और तब मैंने ये कहा कि मैंने इस आदमी के लिए अपने हाथों से प्यार से खाना बनाया, ये नहीं कि इनके पास खाने को नहीं था, ये अकेले सिंगल मैन है, ये भी तो मोबाइल में रेसिपी देख के बना सकते हैं। लेकिन दोस्ती ना होते हुए इनको सिर्फ लाइफ में दो दो बार मिलने पे, थर्ड टाइम मैंने खुद इनको फोन करके कहा कि मैं चल मैं ये अपने हाथ से बना रही हूँ क्योंकि तू सिंगल मैन है, आ जा लेने। ये मेरा प्यार था, ये समझी उनको नींद नहीं थी, ये समझी उनको समझी नींद नहीं समझी थी। हाँ यस समझ इट गई। वाज नॉट हिज नीड। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे से ज्यादा काम कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा लोगों को जानते हैं, उनके पास मेरे से ज्यादा है और होना चाहिए। समझ गई समझ गई जिस समझ गई। हिसाब से टोटली खाना उन्होंने किया आज कॉन्टेक्स्ट भी कर इधर रहे उधर हैं हो गया। वो। हाँ ऑब्वियसली ना, कॉन्टेक्स्ट बहुत और जोर से इधर उधर हो गया एक्चुअली। समझ गई समझ गई। ऑब्वियसली ऑब्वियसली व्हाई विल आई वांट टू, आई एम आल्सो, यार मैं कोई 20 साल की नहीं हूँ, मुझे भी मालूम है कि मैंने भी लाइफ में बहुत अपसेट, मैं गांव की लड़की हूँ यार, मैं क्या बोलूंगी किसी और को कि किसी को जरूरत है या नहीं है। मैं मुझे मालूम है ना, मेरे गांव के साथी संगियों को कितनी जरूरत होती है चीजों की, तो मैं ऐसी फालतू बात कभी कर ही नहीं सकती। तो लोगों ने इस चीज का जिस तरीके से गंदा वो निकाला है कि उनकी ये उनकी क्या कहूं मैं, इतनी बेध्यानी, चलो भारत की जनता इतनी भोली है, इतनी गलीबल है कि ये जानते हुए कि यार 24 घंटे का वो होता है, ये लड़की अगर फटी है, ये क्यों फटी, वो एक फोटो पार्टी में, ऐसे तो मेरी शाहरुख खान साहब के साथ पार्टीज की फोटो है, क्या वो मेरे दोस्त हो गए, समझ गई ऐसे तो समझ गई कितने लोग, समझ गई समझ गई। समझ रहे हो आप। हाँ हाँ और गॉट इट कंप्लीटली। ना दोस्ती ना होते हुए भी मैंने उनके बात की इज्जत रखी, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्रोफेशनल, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ सीनियर आर्टिस्ट। और मैं बार बार ये बोलती आई हूँ, मुझे उनके शो से रिप्लेस कर दिया गया था, वो तो कितने शोज में अलग अलग हीरो का रोल उन्होंने किया, मैंने तो एक शो में लीड किया है FIR। तो यही है पूरी गॉट बात। इट। कविता आपको क्या लगता है कौन सबसे चीप गेम खेल रहा है, मतलब सस्ता गेम खेल रहा है? एजाज, एजाज, उनको ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए उनको अगर वो स्माइल करें, अगर वो खुश रहें, वो ज्यादा अच्छे भी दिखेंगे, लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन एक ये सिंपथी वेव क्रिएट कर देना, एक इमेज, एक झूठी इमेज बिल्ड करना, एक राजा होने की या गब्बर होने की झूठी इमेज बिल्ड करना, एक प्यार का झूठा वो करना, ये सब एक ऑडियंस को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और शर्म मुझे इस बात पे उन लोगों पे आ रही है जो बेवकूफ बन रहे हैं, जो ये सब देखते हुए भी बेवकूफ बन रहे हैं, वो उनकी खैर वो है। तो ये गेम अच्छा नहीं है, ऑनेस्टी के साथ खेलो ना, एंटरटेन करो ना, टैलेंट है तो एंटरटेन करो, समझी। दूसरों का इस्तेमाल मत करो गेम में। अगर किसी को वो दोस्त कह रहे हो तो दोस्त के लिए खड़े रहो, दोस्त को बोलो तू भी तो आई है बिग बॉस में, तू अपना खेल, तू अपने ओपिनियंस बना, दोस्त को आपने रुबीना के खिलाफ भड़का दिया है ना, तो यही है। आपके हिसाब से हु शुड नॉट, मतलब नेक्स्ट नंबर किसका होगा? बिल्कुल डेफिनेटली होगा, बिकॉज चीप गेम तो नहीं बट बेवकूफाना गेम एंड डजंट फिट इन द हाउस एट ऑल। मतलब यू वंडर कि इनको खेलना आता भी है, व्हाई दिस पर्सन इज देयर। पवित्रा, दैट्स पवित्रा, आई फील कि वो अपने वो उन्होंने टैटू बनवा रखा है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई नो, वो टैटू बहुत वो सबसे बड़ा झूठ अपने आप से कहती हूँ, वो स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है कि, क्योंकि स्ट्रांग इंसान दूसरे की ना बात सुनता है, वो किसी की बात नहीं सुनती। मैंने उनको समझाया था कि देखो जो भी है अपना गेम खेलो, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, अपना अच्छा एक इमेज बनाओ, सुंदर लड़की हो, अच्छी तुम्हारी आवाज है, सब अच्छा करो अपना। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि बाहर आके उन्होंने मेरी जो है खिल्ली उड़ाई, गया ये ऐसे कह रही है, मेरे को क्या जरूरत है, ये पागल है जो भी। अब वो खुद ही जो है उसको मारने दौड़ रही है एजाज को, हाँ, देखा। ठीक है, ऐसा प्यार हुआ दूसरे ही दिन, प्यार एक दिन डेट पे गए, 2 दिन बाद उसको मारने दौड़ रही है, मैंने प्रोमो देखा, हाँ तो मैं क्या बोलूं कि वो, और सिर्फ वो चिल्लाती है घर में, स्ट्रॉन्ग औरत, एक फेमिनिस्ट औरत की स्ट्रेंथ उसकी संवेदनशीलता होती है और उसकी जो है ना सोचने समझने की शक्ति होती है, ना कि चिल्लाना, धमकियां देना, गालियां देना, लोगों को मारने दौड़ना, नहीं।
थैंक यू सो मच कविता. जाते जाते जस्ट वॉन्ट टू से वेरी 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 पावरफुली प्लेड, वेरी पावरफुली प्लेड. जितने टाइम थे थैंक यू लव, एक्शन था. थैंक यू स्वीटहार्ट. एक्चुअली गलती यही हो गई कि दिल से खेल लिया. अगर एंड में मतलब एजाज का सच जानने के बाद हर्ट ना हुई होती मैं जेन्युइनली इसलिए हर्ट हो गई कि यार इसको जरूरत नहीं है किसी चीज की. इसको लॉकडाउन में भी किसी की जरूरत नहीं थी, पर हम ज्यादा बेवकूफ है कि नहीं नहीं है प्यार से तुम्हें अपने हाथ से लाड़, जो आप पवित्रा रो रही है यू नो. तो वही है जब औरत बिन वो किए मोहब्बत से कोई चीज करती है ना, फिर उसको ये दिखता है कि साला मेरा पपलू बना रहे हैं, तो औरत हर्ट होती है. आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री. वही चीज हुई है कि दिल से, स्पेशली बिग बॉस का नहीं, बट अगेन इट्स अ लाइफ लेसन फॉर मी. मेरे लिए जिंदगी का बहुत खूबसूरत लेसन इन्होंने मुझे दिया है. तो मैं खुश हूँ इसमें भी, आई एम वेरी हैप्पी. सुपर, फुल पावर टू यू. सी यू सूनेस्ट इन रेड एफएम स्टूडियोस. और पता नहीं, मेरा दिल तो कहता है कि री एंट्री होने वाली है. पता नहीं, फिलहाल तो मैं अच्छा सा ट्रिप प्लान कर रही हूँ. हो सकता है तुम अच्छी सी इंस्टाग्राम पे मेरी सेक्सी बिकिनी में फोटो देखो समंदर किनारे. मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ. सौ हार्ट्स हमारी तरफ से, रेड एफएम की तरफ से. लव यू बेबी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ टन कविता कौशिक. इट वाज लवली चैटिंग विद यू. सी यू सून इन रेड एफएम स्टूडियोस. बजाते रहो.